सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक बड़े डाउट के ऊपर। गाइस, आपको बताया कि अब 2022 के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा डाउट है कि क्या अब की बार भी, यानी कि इस सेशन में भी 2022-23 वाले में भी उनका जो है सिलेबस डिलीट होगा, जैसे कि पहले डिलीट किया था सभी बोर्ड्स ने 30%। तो गाइस, इस डाउट के ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस, किस किस का डाउट है कमेंट करके यहाँ पर आप ज़रूर बताइए। चलिए, इस डाउट के ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है इसी तरह के आपके डाउट्स जो हैं सॉल्विंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, बात करते हैं। देखिए, आपका सिलेबस है वो पिछले साल या उससे पिछले साल दो सालों से डिलीट होता आ रहा है, ठीक है। 30% 30%, उससे पहले डिलीट नहीं होता था। 100% आप सिलेबस पढ़ते थे, सब कुछ नॉर्मल लाइफ थी, कोविड नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर कोविड आया, दो साल से आपको पता है कि कितना यहाँ पर भयंकर तबाही हुई है, स्कूल्स वगैरह बंद रहे हैं, सिलेबस कम करना पड़ा। लेकिन गाइज, अब बात आती है कि इस सेशन में भी क्या सिलेबस डिलीट रहेगा। तो देखिए गाइज, क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, इस सेशन में यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि आपका जो है सिलेबस डिलीट हो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हाँ, अगर फिर से कोविड आ जाता है या फिर से स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं तो फिर आपका सिलेबस जो है वो इस सेशन भी डिलीट किया जा सकता है 30% सभी के लिए, ठीक है। वरना जो है अब की बार सभी बोर्ड, चाहे वो CBSE हो, HBSE हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, वो जो है एक नोटिफिकेशन निकालने वाला है जिसमें वो क्लियर कर देगा कि आपका पूरा सिलेबस ही आएगा फिर से, ठीक है। जो कोरोना से पहले हमारी लाइफ थी वैसे ही यहाँ पर जो है फिर से आपका पूरा सिलेबस आएगा जो कम्प्लीट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोविड वगैरह फिर से आ जाता है तो यहाँ पर आपका जो है सिलेबस फिर से डिलीट हो सकता है, समझ गए। तो गाइज, आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा भाई आपके सभी के सामने होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी फुल सिलेबस मानकर ही करिए, क्योंकि अभी तक आपको पता है सभी के कोविड वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सिलेबस कम्प्लीट ही रहने वाला है इस सेशन के अंदर, ठीक है। डिलीट होता क्यों है? डिलीट जब होता है, जब यहाँ पर स्कूल बंद होते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए डिलीट किया गया है, ठीक है। लेकिन अब की बार आपको पता है सेशन से स्टार्ट होकर अच्छे से यहाँ पर जो पढ़ाई होगी, क्योंकि कोविड नहीं है। हाँ, अगर कोविड आ जाता है तो फिर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि दोबारा से जो है सिलेबस 30% इस सेशन के लिए भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस, जो भी अपडेट अब आगे आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यह आपका जो डाउट था मैंने आपको बता दिया है कि अभी तक जो है आपका कम्प्लीट सिलेबस ही इस सेशन में आने वाला है, यानी कि अब जो नया सेशन आएगा अप्रैल से। इसके अलावा अगर कोई नई अपडेट आती है, सिलेबस कम होता है, ज़्यादा होता है, जो भी होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, एक बार फिर से पूरी वीडियो को समराइज कर रहा हूँ, आपका सिलेबस इस सेशन कहीं ना कहीं 99% कम्प्लीट ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो पिछले बार के सेशंस थे उनकी तरह नहीं होगा, अब की बार 30% सिलेबस कट नहीं होगा, और अगर होता है तो आपको बता दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना पूरा सिलेबस पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।